बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर जावास्क्रिप्ट क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है लूप का। तो लूप क्या है? लूप हमारे पास पांच किस्म की होती है: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, फॉर इन लूप और फॉर ईच लूप। तो लूप एक कंट्रोल फ्लो होता है स्टेटमेंट का, जो कि एक ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करता है और जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है वो चलता रहता है, और कंडीशन फॉल्स होने पर वो रुक जाता है। और ये डाटा को इस्तेमाल करके रिपीट होता रहता है, जो कि डिफरेंट एलिमेंट पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट या नंबर। तो हम इस तरह करके इनको किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं लूप को। तो जावास्क्रिप्ट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप हमारे पास एक ऐसा लूप है, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है ये चलता रहता है, और कंडीशन फॉल्स होने पर ये जो है ना ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाता है और लूप से बाहर आ जाता है। तो लूप, इस लूप को हम कैसे लिखते हैं, व्हाइल लूप को देखते हैं, शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लूप है और हम स्टेप पर टैग लगा लेते हैं। इसके अंदर हम किस तरह इसको लिखते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। हम व्हाइल लिखते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम ब्रैकेट्स डाल के इधर हम अपना कोड लिखते हैं, जो भी हमारा कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो है सारा वो कोड लिखते हैं और हमारी कंडीशन सारी यहाँ पे होती है। तो इसको मैं इधर कमेंट कर लेता हूँ और इसको देख के हम बनाते हैं जी अपना एक व्हाइल लूप। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ लेट कर लेता हूँ, लेट मैं कर लेता हूँ आई इज इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ जी 1। और देखते हैं कि हम व्हाइल लूप किस तरह यूज करते हैं। व्हाइल में आएंगे और हम कंडीशन देंगे, जो कि हमारी है अगर हमारा आई, आई किधर है हमारा आई, ये हमारा आई अगर हमारा छोटा है या इक्वल है किसके, 10 कर लेते हैं, 10 के अगर छोटा है या 10 से या इक्वल है, तो हमारी कंडीशन में हमें क्या कर दे, हमें कंसोल लॉग कर दे, कंसोल डॉट लॉग। हम कंसोल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये इजी मेथड है। तो हमें जो है वो आई जो है ना कंसोल लॉग कर दे। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे कोड के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, जो कि हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करना होता है। मतलब कि अगर हमारी कंडीशन, हमारा आई जो है वो 1 है, वो 10 से छोटा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे प्रिंट तो कर देगा, लेकिन इसके बाद वो क्या करे, ठीक है। अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं लाइव सर्वर पे लोड कर लेता हूँ इस तरह से, तो ये वाली कंडीशन घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। जैसे कि मैं इधर इसे लाइव सर्वर पे लोड करता हूँ, ये ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इंस्पेक्ट खोलता हूँ, और कंप्यूटर मेरा बिल्कुल ही लैग कर रहा है इस वजह से कि हमने जो इसको कंडीशन दे दिया वो बिल्कुल ही गलत दे दिया, ठीक है। अब हमने इसको आगे भी बताना है कि हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो हम आई को करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, हम आई प्लस 1 कर देंगे इस तरह से। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम आई को कर देंगे आई प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो इस तरह हम इसको बंद कर देंगे। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ और मैं लाइव सर्वर पे आगे से लोड करता हूँ, तो हमारे पास इस तरह जो है ना, इसमें कंट्रोल शिफ्ट टाइप करते हैं इंस्पेक्ट में, इसने 10 तक हमें जो है प्रिंट कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं इसे कर दूँ 100, तो ये 100 भी हो जाएगा, तो इसने इधर 100 कर दिया। अगर मैं इसे अगर बड़ी वैल्यू भी देता हूँ तो ये वहां तक भी प्रिंट हमें करके देगा, तो इसने अभी हमें 500 तक प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो इधर मैं कंसोल लॉग में जरूरी नहीं कि मैं आई को ही प्रिंट करूं, मैं इधर कुछ खुद से कोड भी लिख सकता हूं, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूं कुछ, मैं रैंडम कोड लिख देता हूं यहां पे, मैं लिख देता हूं जी हेलो वर्ल्ड, क्यों ना लिखें हम, क्योंकि हम जब कोडिंग शुरू करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया इस तरह से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जाके देखते हैं, तो इसने ये 5 बार हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो इसने क्या किया, इसने एक बार लिखा है और उसके पीछे इसने ये जो लगा दिया है, ठीक है, काउंटिंग कर दिया। अब ये देखना, ये साथ साथ काउंटिंग हो रही है, साथ में लिखा भी आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे कंसोल लॉग की जगह हम इसे कर दें जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देगा। इसने कर दिया, ये देखें इतना सारा टेक्स्ट आ रहा है। और अगर मैं इसको 500 की जगह मैं इसको सीधा सीधा 10 करूँ, और इधर मैं हेलो वर्ल्ड के बाद बी आर भी डाल दूं यहाँ पे इस तरह से, मैं बी आर डाल दूं इस तरह से, और मैं साथ में से बोलूं कि हमें काउंट भी करके दे, हमें आई और इसके साथ कंकैटिनेट कर दो जी इसको। अब मैं सेव करूं तो अब ये हमें क्या कर रहा है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं, इधर हम मतलब कि मेन विंडो में आ गए। तो ये क्या कर रहा है,
ये 1 कर रहा है, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने गिनती कितनी लिख दी है, 100 तक मैंने लिख दिया, तो ये 100 तक चला गया। हम इसको 10 कर देते हैं और इस आई के बाद हम इधर एक स्पेस दे देते हैं हेलो से पहले, मैंने एक स्पेस दे दिया। अब मैं सेव करता हूँ तो अब इसने बीच में स्पेस भी डाल दी है, तो इस तरह इसने 10 तक प्रिंट किया, 100 नहीं किया। तो इस तरह हम वाइल लूप को यूज करते हैं और हम वाइल लूप से कुछ भी काम करा सकते हैं अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा 11 कर दूँ और मैं इसे सेव करूँ तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 11 जो जो आई हमारा है वो 10 के बराबर भी नहीं है और 10 से छोटा भी नहीं है, तो इसलिए हमारी कंडीशन चली नहीं। ये वाइल के यहाँ से सीधा यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। जब इसने कंडीशन देखी कि हमारी फॉल्स है, ये बाहर आ गया, इसने कुछ किया ही नहीं, तो इसको हम अगर हम इसको करें कि आई इज इक्वल टू, हम कर दें आई प्लस, हम इसको 2 भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आई प्लस 2 करूँ तो ये हमें 5 आंसर देगा, ठीक है। मतलब कि ये हमें 5 बार प्रिंट करके देगा, और इसको मैं 1 कर देता हूँ और अब ये हमें 5 बार करके देगा, 1 2 3 4 और 5। एक किया, फिर इसने एक में 2 जमा किया, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और फिर 2 किया 5 हो गया, 5 और फिर 2 किया, हमें 7 मिला, 7 और 2 हमें 9 मिला, ठीक है। जब ये 9 पे आया तो इसने इधर आके 2 प्लस किया तो वो क्या बन गया, 11, जो कि 10 से छोटा है और मतलब कि 10 के इक्वल भी नहीं है, तो वो 11 बना और उसने 9 तक ही प्रिंट कर दिया, उसने 11 प्रिंट ही नहीं किया। तो इस तरह हम वाइल लूप यूज करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी कि वाइल लूप क्या, आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये काफी जो लूप वाला हमारे पास जो चैप्टर है, हमारे पास लूप वाला जो टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम मोस्टली डॉम में और हम अपनी वेबसाइट में काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।